हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर और IRCTC जैसे शेयर्स को टक्कर दे रहा है। और इन सबका प्राइस अगर देखोगे तो 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है। लेकिन जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका अराउंड 395 के आसपास है, और वो स्टॉक जो है 200 के आसपास लोएस्ट मारा था और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला स्टॉक है। देख सकते हैं वो स्टॉक का नाम है अवंती फीड, 395 के आसपास चल रहा है। अगर 10 साल के अंदर हम देखते हैं तो स्टॉक ने बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट दिया है, अराउंड 23,000 के आसपास। और ये स्टॉक बिल्कुल आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा, बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा और फेस वैल्यू से भी नीचे मिल रहा। मतलब ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा चीप हो चुका है यहाँ पर। और अभी विद इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर अगर इसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो देख लो, ये हाथ में नहीं आना चाहता। अगर अभी भी आपने नहीं खरीदा तो ये हाथ में नहीं आ पाएगा। केवल 54.18% का जो है यहाँ पर रिटर्न दिया है। 1 ईयर का देखिए तो यहाँ पर 3 या 4% के आसपास है। कंपनी का नाम क्या है, अवंती फीड, काम क्या करती है दोस्तों, ये फिश के लिए फीड बनाती है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखते हैं तो 5485 के आसपास है। और इस मंथ की हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पर देख लेते हैं 284, अराउंड 300 के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं 300 से जब ये अपर सर्किट मारना स्टार्ट किया विद इन ए मंथ, बहुत ज़्यादा इसमें जो अपर सर्किट दिखा गया। और इसकी पीर कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कौन है जो इसको टक्कर दे सकता है अपने कॉम्पिटिशन में, या ये खुद मोनोपोली भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर एग्रोटेक देख सकते हैं, वैंकी देख सकते हैं, और भी इधर है देख सकते हैं, KRBL देख सकते हैं, टेस्टी बाइट देख सकते हैं। हाँ, टेस्टी बाइट में 60% का अपर सर्किट आपको दिख रहा है। नहीं तो कोई भी ऐसा पीर कंपनी नहीं है जो इसको टक्कर दे रहा। फाइनेंशियल के मामले में अगर हम देख लेते हैं तो कंपनी फाइनेंशियल के मामले में धीरे धीरे ये अपर सर्किट जा रही है। और इसका प्राइस काफ़ी ऊपर था, ये नीचे आने का एक वजह है इसका प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हुआ, डिक्रीज हो चुका था। यहाँ 2000 देखिए, मैं 2017 में अगर देख लेते हैं प्रॉफिट तो केवल 0.15 के आसपास था। फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन ये इंक्रीमेंट तब तक हुआ 2018 तक। 2019 में क्या हुआ, इसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गया और बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका था। लेकिन ये हमारे लिए एज ए अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने इसको खोना नहीं चाहिए था। अगर हम देख लेते हैं कंपनी प्रॉफिट के मामले में कैसा है वो भी यहाँ पर हम इसके 3 डिस्कस करेंगे। एक रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और नेट इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देख लेते हैं इसका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। पहले कितना था, 2.04, लेकिन अब कितना है दोस्तों, 8.67। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। और इंक्रीज़ यहाँ मार्केट शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद हायर देन द इंडस्ट्री नेट इनकम, नेट इनकम में भी इसका क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था। और यहाँ आप देख लेते हैं डिजिट में, ठीक है, 2017 से हम कंपेयर करेंगे 2019 तक, क्योंकि 2020 का जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आएगा वहां जब बताया जाएगा तो वो भी आपके सामने परफॉर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर देखते हैं टोटल रेवेन्यू तो 2600 के आसपास था 2017 में। फिर 2000 से यहाँ देख सकते हैं 3400 के आसपास हुआ, और उसके बाद 3400, तो मतलब यहाँ पर कांस्टेंट रहा 2018 और 2019 में, थोड़ा सा कांस्टेंट रहा, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिट देख लेते हैं, तो प्रॉफिट में अगर हम देखते हैं नेट इनकम में, ये यहाँ पर आपको नेट इनकम बताया जा रहा है, 215 के आसपास था। 215 के आसपास से यहाँ पर देख सकते हैं 446, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ये 17 है, ये 18 है और ये 19 का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ नेट इनकम में कितना ज़्यादा आपको जो है ये दिखा है, इंक्रीमेंट दिखा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका था स्टॉक का प्राइस, ये 2019 था, ठीक है, 2019 में 273 के आसपास आ चुका था। और यही अपॉर्चुनिटी हमें छोड़ना नहीं चाहिए था स्टॉक का। हम देखते हैं ROCE और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखेंगे, ठीक है, और नेट डेट भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19 सब कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ROCE अगर हम देख लेते हैं तो 69 के आसपास था, अच्छा था थोड़ा सा, लेकिन डिक्रीज़ होते गया, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा था यहाँ पर। लेकिन 2018 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था जब प्रॉफिट आपको देखा गया तो, लेकिन 2019 में हमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला। और यहाँ पर देख लीजिए 76 से यहाँ पर 34 हो गया था। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं परसेंटेज में, ROE क्या मतलब, तो 44 था पहले, फिर 38 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 49। तो ये जो ईयर था 2018 यहाँ पर आपको स्ट्रांग दिखा था। और यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑन इक्विटी में अगर देख लेते हैं तो वो भी ज़ीरो हो चुका था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के अगर मामले में अब भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 20 या 23 के आसपास रहना चाहिए, 20 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी तो यहाँ पर रहना चाहिए, वो भी इक्विटी पर शेयर, ठीक है। और ROE होता क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी में, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक जो बिज़नेस होता है,
ये बिज़नेस का वैल्यू और एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है, प्राइस कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट प्राइस। अगर ये ओवर वैल्यूड है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, अगर ये अंडर वैल्यूड है तो हमें खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा कंपनी का वैल्यू और प्राइस यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। और ये है निफ्टी का टॉप कंपनी का लिस्ट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, पीआई इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, सिम्फनी, अजंता फार्मा, ये जितने भी स्टॉक है सब नीचे हैं। सबसे पहला अगर किसी कंपनी का नाम है तो वो है अवंती फीड, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। यहाँ पर देख लीजिए, पहला लाइन में आपको बताया जा रहा है 35,000 के आसपास, देख लीजिए पहला सबसे फर्स्ट में है, उसका बाद बजाज फाइनेंस थर्ड में आता है, ठीक है, बजाज फाइनेंस। और फिनसर भी इसी तरह आ जाएगा, बजाज फिनसर यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है, बजाज फिनसर यहाँ पर आपको देखे जा रहा है। तो बजाज फिनसर और IRCTC अभी आया है, ठीक है, तो वो उसको भी हम कुछ बोल नहीं सकते कि IRCTC को अभी लेना नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक रिटर्न देने वाला ये स्टॉक है अवंती फीड, और प्राइस के मामले में भी बहुत छोटा है। आप इसमें हेवी क्वांटिटी खरीद सकते हो, केवल 395 रुपीज़ के आसपास में मिल रहा है। कल को हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरावट हो, तो वो आपके लिए एज ए अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये है वो कंपनी जिन्होंने बहुत ज़्यादा हायर रिटर्न दिया, और वो भी एक दो ने, पूरा लिस्ट यहाँ पर दिखाया गया, पूरा 50 या 60 कंपनी का लिस्ट है। तो यहाँ पर आप सारी कंपनी का देख सकते हैं, अगर टॉप में कोई आता है तो वो आता है केवल अवंती फीड्स। और चार्ट में हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसका जो रियल वैल्यू यहाँ पर आपको बताया जा रहा, अराउंड ये 1,000 रुपीज़ के आसपास चला गया था, ठीक है, 1,000 रुपीज़ के आसपास चला गया था। डिविडेंड, बोनस और स्टॉक को स्प्लिट करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो अभी ये कितने प्राइस में मिल रहा है, केवल आपको 395, मतलब 400 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। ये स्टॉक ने यहाँ पर देख सकते हैं दो बॉटम बनाया था, ठीक है, जो पहला बॉटम इसने कभी भी नहीं तोड़ा वो यहाँ पर है 123 रुपीज़ का, ये बॉटम बनाया था। उसके बाद इसमें देख ले बहुत ज़्यादा आपको अपर मूवमेंट देखने को मिला और ये 1,000 रुपीज़ तक चला गया था। जब दूसरा बॉटम इन्होंने बनाया तो ये अराउंड, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो है यहाँ पर बॉटम बनाया गया था, यहाँ पर 275 रुपीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ये बॉटम को ये जो है सपोर्ट बनाया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अहम सपोर्ट बनाया है, क्योंकि स्टॉक में जब गिरावट हो रही थी तो यही सपोर्ट को इसने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा सा एक लंबा सा बॉटम बनाया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको अपर सर्किट देखने को मिली, और ये जो डबल बॉटम हमें साइन आता है जहाँ पर हमें खरीदना चाहिए, और ये डबल बॉटम का साइन आपको दे रहा, फर्स्ट बॉटम यह है, सेकेंड बॉटम यह है, इसमें आपको अभी बहुत लंबा सर्किट देखने को मिलेगा, छोटा मोटा लंबा सर्किट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देख लीजिए, अगर करेंट मार्केट प्राइस अगर देखते हैं तो 395 के आसपास आपको मिल रहा, 395 के आसपास मिल रहा, और ऐसे स्टॉक में आपको बहुत बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका, पहले गिर चुका, और इंट्रेंसिक वैल्यू से भी ये नीचे चल रहा। अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू का अगर मैं यहाँ पर आपको प्राइस बताऊँ तो लगभग 440 या 450 रुपीज़ के आसपास जो है इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू जो इसका 450 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पर देख लीजिए 400 के आसपास है, और ज़रूर कभी ना कभी ये जो स्टॉक है आपको अपर मूवमेंट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी क्या करना है, ये स्टॉक को अभी यहाँ पर खरीदना है, 395 के आसपास आपको ज़रूर खरीदना है अवंती फीड, ठीक है, अवंती फीड बोलिएगा मत, ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको दोबारा मौका ना मिले ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए। अगर बजाज फाइनेंस या फिनसर में आप बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो 2000 से ही स्टार्ट होता है और फिनसर आपको 4000 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, IRCTC ही 1000 के आसपास है, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उठाने में। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उठा पाओगे, तो इसको खरीदो, इसमें अपना पैसा लगाओ, लंबे समय के लिए जितना लगाओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका अभी प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाला है। और गिरते हुए मार्केट में अगर हम NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में देखते हैं तो 52% का इसका ऑलरेडी जो है बुकिंग हो रहा है, ठीक है। अगर प्रमोटर्स के पास कंपनी इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं, प्रमोटर्स के पास कितना बड़ा हिस्सेदारी है, तो 43 के आसपास प्रमोटर्स के पास है, और इसका एक भी शेयर प्लेज नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, कंपनी खरीदने से पहले आप भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए खरीदने से पहले, ताकि आप लोगों के लिए भी एक सेफ रहे, क्योंकि पैसा लगाने से पहले प्रॉफिट और लॉस दोनों सोच लेना चाहिए, आप ही को होगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक और अच्छी से अच्छी कंपनी जो मल्टीबैगर बना सकता है, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।